नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मुंबई में साल 2008 में हुए हमलों का दर्द अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। इस हमले से कम 174 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि भारी तादाद में लोग गंभीर और घायल हुए। इसी बीच एक बार फिर से मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकी भीड़ वाली जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। दरअसल हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। दरअसल इनमें से एक आरोपी मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है। दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेन समेत देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी को एजेंसियों से संभावित आतंकी हमले की जानकारी भी मिली थी। अब खुफिया एजेंसियों ने जीआरपी को आगाह किया है कि जिसके तहत आतंकी ट्रेन में गैस अटैक या फिर प्लेटफॉर्म पर होने वाली यात्रियों की भीड़ को गाड़ी से रौंद सकते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद जीआरपी ने मुंबई के सभी बड़े रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी है और कुछ एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी बंद कर दिए गए। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जीआरपी ने लाइव मॉक ड्रिल करना शुरू कर दिया है। इसमें अधिकारी को यह पता चलता है कि आतंकी हमले के दौरान कैसे यात्रियों को बचाना है और उन्हें पकड़ना है। जीआरपी ने अतिरिक्त पुलिस बल बड़े रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है और जीआरपी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड समेत दूसरे एजेंसियों के भी संपर्क में है। वहीं जीआरपी कमिश्नर केसर खालिद ने आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशन पर हर वक्त पुलिस की तैनाती होनी चाहिए और डॉग स्क्वाड की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। इस बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के हमलों को लेकर हम समय समय पर आगाह किया जाता रहा, खासकर लोकल ट्रेन के लिए ऐसे अलर्ट मिला करते हैं। हम सभी अलर्ट को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम भी उठाते हैं। जीआरपी अधिकारी की माने तो पूरे रेलवे में कुल 6 से 7 हजार सीसीटीवी कैमरे लगे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अच्छा न्यूज़।